गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनश शॉट। गनश शॉट में आप सबका स्वागत है। आज जब राम मंदिर का स्थापना हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा हुआ है तो हमें थोड़ा सोचने की बात है। बहुत अच्छी बात है हमारा देश के लिए कि इतने दिन के बाद वो मंदिर का इट जस्ट टुक ऑफ एंड इट इज कैप्चर्ड ऑल आवर इमेजिनेशंस। बट एक चीज हमें याद रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान, अगर यहाँ राम राज्य चलने वाला है तो वहां तो एक तरीके से एक रावण का राज है ही, राइट? बट वो छोड़ दीजिए, विल गेट टू पाकिस्तान। एंड आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी वे ऑफ वॉर, फाइटिंग टू लूज। ये जिस तरीके से लड़ते हैं ये हारने का पूरा का प्रोग्राम है और ये इनका इतिहास है और उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि दुनिया में हालत बदल रहा है, इंडिया का हालत बदल रहा है, पाकिस्तान बदल रहा है और चाइना बदल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में क्या चेंज हो रहा है। ओके, फर्स्ट, हम सबको पता है कि कुछ दिन पहले ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर एक मिसाइल स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक लगाया, कोई सब्स के अंदर उनके मिलिटेंट्स जैश ए अदल के ऊपर टारगेट किया। अगले दिन पाकिस्तान ने सरावन के ऊपर एक अटैक मारा, कुछ लोग मर गए। वो बोलते हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन या बलूच रिबल्स के ऊपर फायर किया। उसके साथ साथ पाकिस्तान और ईरान ने अपना अपना एम्बेसडर्स को विड्रॉ कर दिया, वगैरह वगैरह कुछ हुआ। पर अगले दिन 24 घंटे के अंदर सब कुछ ठीक हो गया। क्यों? सोचने वाली बात। पहले अगर आप देखेंगे इस मैप को, जो भी जहां भी हो रहा था वो सिर्फ बिल्कुल ग्वादर के ऊपर, तो अगर यहाँ लड़ाई ज्यादा छिड़ गया तो ग्वादर जो है प्रॉब्लम में आता। अगर ग्वादर प्रॉब्लम में आता, पाकिस्तान को ही नहीं चाइना को भी प्रॉब्लम होता, पर मैं चाइना के बारे में बाद में बात करूंगा। पर मेरे तरफ हिसाब से पाकिस्तान ने सडनली रियलाइज किया कि भाई हम तो तीनों के साथ लड़ रहे हैं, इंडिया के साथ तो लड़ाई है ही जारी, सिर्फ एक सीज फायर है, अफगानिस्तान के साथ रोज कुछ ना कुछ हो रहा है वारदात, टीटीपी के साथ तो एवरी डे देयर इज एन अटैक, हम कुछ कर नहीं पा रहे, अगर अभी ईरान के साथ मोल लिया तो हमारा क्या होगा, उन्हें बंद कर दिया। व्हाई पाकिस्तान कैन नॉट फाइट, ये मेरा पहला प्रस्ताव है। पाकिस्तान में लड़ने का क्षमता नहीं है, राइट? सो ये लड़ने का क्षमता नहीं है पर तंग करने का क्षमता पूरा है पाकिस्तान के पास। तो इस चीज को हम या आई एम नॉट ऑन म्यूट, आई एम श्योर यू कैन ऑल हियर मी, राइट? आई हैव चेक्ड माय सेटिंग्स एंड इट सेज दैट आई एम ओके एंड यू नो आई एम नॉट ऑन म्यूट एट ऑल। मे बी यू आर ऑन म्यूट, दैट इज पृथ्वीराज गोरपड़े, जस्ट चेक अगेन। Okay, so we have problems with Pakistan and ye jo problem hai wo jari rahenge and Pakistan ke paas wo dam nahi hai ki ye tino deshon ko nipat le, to fir Pakistan is halat mein karega kya aur aage kya hoga? Okay, so let me first go step by step. Now, step by step agar hum samjhenge ye pura kahani, लार्जर पिक्चर जो मैं हर वक्त बोलता रहता हूँ कि बड़ा दृश्य अगर हम देख सकते हैं तो छोटे चीज को हम निपट सकते हैं। मेरे को पता है बहुत चैनलों ने ये ऑलरेडी जारी कर दिया, ईरान और इराक, ईरान और पाकिस्तान का लड़ाई ये वगैरह 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 वगैरह, ये उस चीज का नहीं है, मैं पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा हूँ आज। ओके, फर्स्ट
ये न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल निकला और उसका ही ये संक्षिप्त रूप में मैंने एक्सट्रैक्ट निकाला है. क्या बोलता है, पाकिस्तान इज एट द रिस्क ऑफ गेटिंग ड्रॉन इनटू मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मिडल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है अभी, आप जैसे आपको पता है इसराइल हमस में हो रहा है, अभी ईरान ने इराक और सीरिया के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है, और हौतीज और यूएसए के बीच में तो चल ही रहा है, और अरेबियन सी में भी हो रहा है. सो स्लोली पाकिस्तान इज गेटिंग सक्ड. कैन इट अफोर्ड दैट? इट कांट. देयर इज अ प्रॉब्लम. एंड इट सेड इफ इट डिड नॉट रिटेलिएट आफ्टर द इरानियन अटैक इट वुड हैव अपीयर्ड वीक एंड देन द आर्मी वुड हैव बीन इन अ प्रॉब्लम. Right, that will have the consequences for the prestige of the armed forces. Pakistan is confronting troubled relations with three of its neighbors. Sabko pata hai. The country has been embroiled in an economic crisis, political turmoil that has directly challenged the country's all-powerful military establishment. Ye important hai. Iske bare mein baat mein last mein baat karenge. Kyunki ye inka political legitimacy of Pakistan is at stake in this. That's the point. And so when the political legitimacy of Pakistan is state, then you understand how weak this country is. And terrorist attacks have resurged across the country. Ye to pata hai, har roj hota hai. Aur ye last point maine dala hai, jo aapko kisi ne bataya nahi, it is now caught between USA and China. Bilkul fas gaya hai dono ke beech mein. ये कैसे है, क्या इसका कॉन्टोर्स है, क्या इसका नक्शा बदल रहा है, किस तरीके से आ रहा है, इसी के बारे में आज अब एक एक पहलू लेके आई डू माय एनालिसिस. क्योंकि आई डोंट लाइक छोटे से मोटे एनालिसिस आई डोंट लाइक टू. ओके, ये चीज देखिए, ये पहली बार है कि पाकिस्तान ने इंडिया के अलावा और किसी के साथ लड़ाई शुरू किया है. कुछ हद तक अफगानिस्तान के साथ तो है ही, बट वो अफगानिस्तान के साथ डायरेक्टली नहीं है, वो ज्यादा टीटीपी के साथ है. पर पहले बार इन्होंने ईरान के साथ शुरू किया ये ऐसे ऑलमोस्ट लड़ाई. दूसरी बात, पाकिस्तान ने आज तक जो भी लड़ाई लड़ा वो सब हार गया. ओके, हार गया, इसमें डाउट नहीं है. कोई ऐसे लड़ाई है जिसमें पाकिस्तान ने जीत हासिल किया है? ना. कुछ बोलते हैं कि भाई हमने अमेरिका को हरा दिया, पर अमेरिका को आपने नहीं हराया, पाकिस्तान ने नहीं हराया, ये रावण ने नहीं हराया, पाकिस्तान उसने तालिबान ने हराया. राइट, वो एक समझौता था, वो एक अलग कहानी है, बट पाकिस्तान हैज लॉस्ट ऑल इट्स वॉर्स. नेक्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है. पाकिस्तान हैज डिक्लाइंड आफ्टर एवरी वॉर एंड स्कर्मिश. अगर आप इनका हिस्ट्री देखेंगे पाकिस्तान के 47, 65, 71, राइट, और उसके बाद आप मुजाहिदीन के साथ वॉर देखिए, या अफगानिस्तान के लड़ाई देखिए, या अभी ईरान के, हर लड़ाई के बाद पाकिस्तान डूबता गया, इनका हालत खत्म होता गया, इनका पॉलिटिकल सिस्टम बदलता गया, इनका इकोनॉमिक सिस्टम डाउन होता गया. जब लड़ाई होता है उससे पहले थोड़ा ऊपर होता है, फिर डाउन हो जाता है, बिल्कुल फ्लैट बैठ जाते हैं. राइट, वो अभी भी वो होने वाला है. अभी भी लोग बोल रहे थे कि भाई कुछ सुधरेगा, बट नो. अब देखिए, पाकिस्तान एकमात्र देश है जिन्होंने, जिसका सारे नेबर्स के साथ लड़ाई है, प्रॉब्लम है. इसने अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बंद कर दिया, ईरान के साथ भी अभी बंद कर देगा, हमारे साथ भी बंद है. वो करेगा क्या ट्रेड? चाइना के साथ तो ट्रेड हो नहीं सकता, कुंजरब में, कुंजरब तो बंद है ऑलमोस्ट. ओके, और पाकिस्तान बिल्कुल दो राय नहीं होना चाहिए इज बीइंग ड्रॉन इनटू मिडल ईस्ट क्राइसिस. क्योंकि इस व्याख्या के बाद, आफ्टर ईरान एंड पाकिस्तान ने जो मिसाइल एक्सचेंज हुआ, अटैक एक्सचेंज हुआ है,
the relations between Iran and Pakistan will never be the same again. और यहां तक रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि कुछ ट्रूप्स क्वेल कोर के जो क्वेटा में हैं, वो बिल्कुल ईरान के बलूचिस्तान के इलाके में रीडिप्लॉय हो रहे हैं और वो अभी उठ नहीं सकता. इसका मतलब पाकिस्तान जो है, सदर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान इज शेकी. सो इट्स डिफेंस अगेंस्ट इंडिया इज वीक एंड इट विल गेट वीकर एज डेज गो बाय. And Pakistan cannot afford a war. Paisa hai nahi ladne ke liye. That is why it has patched up so fast. Kyunki agar abhi ke din, aaj ke din, isne ladai shuru kar diya aur iska economy tap ho gaya aur ashanti ho gaya, to Pakistan army to gaya. Phir chaos. To Pakistan army ne bahut jaldi tay kar liya ki ye ladai hamare liye इम्पॉसिबल है. इसे हमें क्या लेना देना है, हमें पता होना चाहिए. अगर कल के दिन हमारे साथ कुछ हुआ और हम कुछ करेंगे तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता. अगर आपको याद है पुलवामा के टाइम क्या बात चल रही थी, पैर कांप रहे थे, माथे पे पसीना आ रहा था, है ना? वही कहानी है. अभी तो पसीना वसीना छोड़ो, अभी तो अगर कुछ इंडिया के साथ हो गया तो गिर जाएंगे, बिल्कुल टप हो जाएंगे, राइट? तो देयर इज अ प्रॉब्लम एंड पाकिस्तान हैज अ सीरियस प्रॉब्लम व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड. एंड वो हमें क्या करता है, हमारे लिए क्या फायदा है इससे? हमारे लिए ये फायदा है, यू कंसंट्रेट मोर ऑन चाइना एंड यू कंसंट्रेट ऑन द चेंजिंग कॉन्टोर्स ऑफ द चाइनीज थ्रेट. मिडल ईस्ट प्रॉब्लम जो नया आ रहा है, आपके मालदीव्स में प्रॉब्लम शुरू हो गया, वो और वो हटने वाला नहीं है, जो मैं पहली बार बता चुका हूँ. एक बार जब मैंने अता हसनैन सर के साथ जब हमने प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने बोला जो पुराना 2.5 फ्रंट का जो फॉर्मेशन है वो बदल रहा है, उसका आकार बदल रहा है, हमें एक नया सोच चाहिए. और ये क्या सोच है आगे बताएंगे. इसके बारे में डेफिनेटली By the end of the month, एक प्रोग्राम करूंगा. क्यों? जैसे अभी अगर आप गनर शॉट में देखेंगे, कल मैं चाइना का डिटेल्ड एनालिसिस कर रहा हूँ. चाइना वर्सेस चाइना, क्या चाइना के अंदर हो रहा है, क्यों चाइना बिल्कुल रिकवर नहीं होगा. दूसरी बात, एक हम वेबिनार कर रहे हैं कि वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है उसके बारे में, एक और वेबिनार कर रहे हैं हम मालदीव्स के बारे में. ये चार पांच वेबिनार करने के बाद हमें एक आइडिया मिलेगा कि नया हमारा स्ट्रेटेजिक पोस्चर क्या होना चाहिए, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल एंड जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक. तो हमारा क्या रवैया बदलना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे. ये मैंने एक हफ्ता 10 दिन पहले शुरुआत किया था और ये आज का जो प्रोग्राम है उसी के सिलसिले में है. हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का क्या हालत है, क्योंकि नहीं तो हम सोचते रहते हैं कि पाकिस्तान एक अफलातून है तो मतलब थर्ड रेट. आजकल चूहे से कम बराबर रावण नहीं है. ओके, एक और चीज, अभी आई एम गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग विच मेनी पीपल वुड नॉट हैव स्पोकन अबाउट. देखिए, पिछले 5-10 साल में ये अरब स्प्रिंग हुआ वगैरह वगैरह, इस्लामिक मिलिशियाज आए हैं, कई लोग तो कई जगहों में, जैसे लेबनान में हुआ हिजबुल्ला या यमन में हौतीस, ये इस्लामिक मिलिशिया आर अ स्टेट विद इन अ स्टेट, दे आर नॉन स्टेट एक्टर्स जिनका प्रोपोर्शंस आर बिगर देन अ स्टेट, देयर मिलिट्रीज आर बिगर देन स्टेट मिलिट्रीज. So there are two things, rise of political Islam and the rise of non-state legitimate actors, legitimate non-state actors in the Muslim world, complete Muslim world, larger, agar hum dekhenge. Aur isme Pakistan is getting marginalized. Getting nahi, mere hisab se wo marginalized hai. Ek time tha,
जब यू नो व्हेन आई वाज अ यंग ऑफिसर पाकिस्तान वाज अ स्पोक्सपर्सन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, लीडर था, हमारे पास इस्लामिक बॉम्ब है, ये है वो है. पाकिस्तान में जो सोच था इट वाज फाइंडिंग इको इन द इस्लामिक वर्ल्ड भुट्टो के जमाने में. अभी तो कोई पूछता ही नहीं है पाकिस्तान को. तो लेट्स टॉक ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, राइट, द मुस्लिम वर्ल्ड. शिया सुन्नी स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड है, अभी ये शुरू हो गया दोबारा. इसीलिए ईरान ने जो किया किया, क्यों? अभी बड़ा क्लियर है कि जो करमन में जो ब्लास्ट हुआ था ईरान के अंदर, जहां सुलेमान के जनरल सुलेमानी के सेलिब्रेटिंग हिज एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी, उसमें जो दो ब्लास्ट हुए थे, बहुत लोग मर भी गए थे. ये क्लियर है कि इसराइल ने कराया, कुछ तालिबान ने किया होगा, कुछ लोग ये जुंडल्ला के साथ जोड़ रहे हैं, कुछ लोग सुनी फोर्सेस के साथ और जोड़ रहे, मिलिशियास के साथ, राइट. सो ये जो एक्शन ईरान ने किया है उससे क्या है, ईरान और सऊदी के बीच में प्रॉब्लम हो गया होगा. ये तो कोई लिखित में नहीं देगा, बट होगा. इससे क्या है कि ईरान सऊदी डील इज ऑफ. ईरान बड़ा क्लियर है, ईरान इज एक्सटेंडिंग इट्स पावर थ्रू मिलिशियास, चाहे वो हौतीज हो, हिजबुल्ला हो, हमास हो, और या सीरियन मिलिशिया हो, राइट. वो अपना राज फैलाने के चक्कर में है और बाकियों को पसंद नहीं है. ओके ओके, दूसरी लेवल में देखिए, तो ये एक कलबली है. इस डिवाइड में पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान एक शिया पावर के नेबर है ईरान, और सुन्नी है, और इसलिए वो यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ जुड़ता है, तो ये भी इनका प्रॉब्लम है. दूसरा लेवल देखिए, इस्लामिस्ट ऑटोक्रेसीज कौन कौन, चाहे आप अक्रॉस द बोर्ड, ये शिया सुन्नी डिवाइड छोड़ दीजिए, ईरान हो या सीरिया हो या सऊदी हो या कतर हो या यमन हो या इजिप्ट हो, देर ऑल ऑटोक्रेसीज, कोई डेमोक्रेसी नहीं है इधर, जॉर्डन हो, देर ऑटोक्रेसीज. और ये जितने इस्लामिक ऑटोक्रेसीज हैं ये प्रॉब्लम्स में है आज, इनका लड़ाई हो रहा है एक दूसरे के बीच में. और इन्हीं इलाकों में ज्यादातर ये नॉन स्टेट एक्टर्स उभर रहे हैं. हर स्टेट के अंदर एक नॉन स्टेट एक्टर है जो अगेंस्ट द स्टेट है, सो दे आर इन टर्मोइल, इनका कोई तालमेल नहीं है. और डेमोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट्स जैसे बांग्लादेश हुआ, इंडोनेशिया हुआ, मलेशिया हुआ, इससे बाहर है. तो इस कंस्ट्रक्ट में तो तीन सेगमेंट हैं, शिया सुन्नी डिवाइड बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, जो लड़ रहे फॉर यू नो टॉप पोजीशन द इस्लामिक वर्ल्ड. एक तुर्की भी है, उसको मत भूलिए, इजिप्ट भी है, एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, तो इनका कोई लीडर नहीं है, बटा हुआ है शिया सुन्नी, इसमें कोई एक 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 बोली बोलता नहीं है. दूसरा, इस्लामिक ऑटोक्रेसीज तो उनका अंदर प्रॉब्लम है, और ये ऑटोक्रेसीज का इकोनॉमीज आर एट रिस्क, क्योंकि ये सब कमोडिटी बेस्ड इकोनॉमीज है, गैस है या तेल है या कुछ है, अगर कल के दिन ये खत्म हो गया तो इनका इकोनॉमी टफ हो जाएगा. दे वॉन्ट टू डाइवर्सिफाई थ्रू ऑटोक्रेसी, और इसके विरुद्ध ये जितने ये हम 35 सर्वे काम कर रहे हैं, दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग आर्मीज. ओके, इट्स नॉट, ये हम इनको विश ऑफ नहीं कर सकते हैं, नजरअंदाज नहीं कर सकते. और तीसरा, डेमोक्रेटिक स्टेट्स है. ये तीन लेवल्स में पाकिस्तान कहाँ है? जीरो. पाकिस्तान का क्या वो ऑटोक्रेसी है? क्या अमीर है? नहीं. क्या डेमोक्रेसी है? नहीं. वो क्या है? किसके साथ है वो?
कौन पाकिस्तान को कोई मायना दे रहा है आजकल? पाकिस्तान का कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। एक और चीज, ये जितने नॉर्थ अफ्रीका के राज्य है उसमें रोज कू होता रहता है, उसको बोलते हैं कू जोन, साहेल और टूनिशिया, मोरक्को, इन इलाकों में कू हो रहा है या इनमें भी प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं, सुदान, सुदान में भी इंटरनल प्रॉब्लम। तो ये फोर्थ लेवल है ऑफ स्ट्राइफ इन द मुस्लिम वर्ल्ड। मेरे हिसाब से पाकिस्तान जो है ये ऑटोक्रेटिक प्रॉब्लम है उनका, उनके अंदर भी मिलिशियाज है, उनके अंदर भी टेररिज्म है, और कहीं ना कहीं ये इनका इक्वलेंट है जो सहारा, सब सहारन अफ्रीका के कू जोन में, वो उन कंट्रीज का क्या हालत है और पाकिस्तान का हालत है वो बराबर है। सो इट इज नाइदर हियर नॉर देयर, पता नहीं क्या है ये। वही, वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड? एक जमाने में ये इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर था, हमारे पास इस्लामिक बॉम्ब है जी, अब सब हमारे पीछे पड़ो, हिंदू देश इंडिया को नष्ट करेंगे हम, और चाइना के साथ हम मिलके इनको सॉर्ट आउट करेंगे। फिर हम दुनिया का राज करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, अब कहां है ये? तो ये जो प्रॉब्लम है ये हटेगा नहीं। ये हटेगा क्यों नहीं? आगे आता हूं। पाकिस्तान इज इन अ स्टेट ऑफ फाइनेंशियल मेल्टडाउन, सबको पता है, किसी को ये कोई बेवकूफ को भी उठा के बोलोगे, सब बोलते हैं कि पाकिस्तान कंगाल है, पाकिस्तान एक बेगर है, भीख मांगता है, लोग बोलते हैं बिकारिस्तान है, सब जायज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट लेट्स एनालाइज द एक्चुअल स्टेट, बाबू कोके ने एनालाइज द एक्चुअल स्टेट। जियोपॉलिटिकली तो हमने कर दिया, अभी फाइनेंशियली करेंगे। आज के दिन इट्स ऑन IMF स्टैंड बाय अरेंजमेंट। व्हाट इज स्टैंड बाय अरेंजमेंट? इनको $70 मिलियन मिला है कुछ दिन पहले कि भाई आप गुजारा हो जाएगा आपका, आपका प्रॉब्लम घटेगा नहीं, ना स्टेबलाइज हो सकते हो, ना आपका इकोनॉमी ऊपर जाएगा ना नीचे डूबेगा उस जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट के साथ है। और ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट सिर्फ 3 महीने के लिए है, और 3 महीने मार्च अप्रैल में तब तक इनका इलेक्शन हो जाएगा, और उम्मीद है इलेक्शन, उम्मीद है, ये सब अभी पता नहीं, अभी बहुत टाइम है, उम्मीद है इनका इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो ये वापस IMF के पास जाके इनका 25वां लोन ले सकते हैं, 25वां 24वां जितने भी है, उसके बिना इनका गुजारा नहीं हो सकता है। ओके तो ये जाना पड़ेगा। आज का दिन ये इतना वीक है कि एक अफगान रूपी, अफगानी से आपको 3 पाकिस्तानी रुपये मिलेंगे, एक $1 से आपको 71 या 72 अफगान मिलते हैं, और एक $1 से आपको 270 का कुछ है, 279 पाकिस्तानी रुपये मिलेंगे, 71 to 271, इतना तकरीबन 4, ये तो मैंने गलत बोल दिया, 1:4। तो अफगानी, द अफगान करेंसी is stronger by 4 times than the Pakistani currency. फिर आप देख सकते हो इनका इनका कितना डूबा हुआ है economy. Okay. जब असीम मुनीर ने almost coup कर दिया मई जून में और शुहादा वगैरह 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 बोल के वो जो इमरान खान को अंदर कर दिया, उस वक्त ये गया था पूरा गल्फ कंट्रीज के अंदर, गल्फ कंट्रीज के अंदर जाके इसने क्या बोला वापस आने के बाद कि मेरे को हमारे दोस्त जो गल्फ कंट्रीज के दोस्त, चाहे वो कुवैत हो या कतर हो या UAE हो या बहरेन हो या सऊदी हो, जॉर्डन, ये सब ने बोला पाकिस्तान के अंदर तक काफी निवेश होगा, और यहां तक बताया गया था कि इनके अंदर जो निवेश होगा वो तकरीबन 10 से लेकर $25 बिलियन आएगा। ये तो काब था, सबको पता था, पर असलियत क्या है? आज तक 4 महीने हो गए, एक आदमी ने ये नहीं बोला कि हम आपके अंदर निवेश करेंगे। बात हो रहा है निवेश का, निवेश का बात क्या है कि भाई अगर हम आपके अंदर पैसा लगाएंगे तो आप हमें क्या दोगे? आपके जमीन दे दोगे
यानी पाकिस्तान बिकेगा या आपके एसेट्स बिकेंगे। पाकिस्तान के पास, इनके पास कोई एसेट नहीं है बेचने के लिए भी। अगर जो एसेट, जो पैसा कमाते हैं वो भी बेच दिया तो पाकिस्तान का क्या होगा, राइट? एक और चीज है, अगर इनको उतना पैसा दी भी जाए तो पाकिस्तान उसको खर्च नहीं कर सकता। देखिए, हर एक आदमी का ना एक खाने का एक क्षमता होता है। आपको, मेरे, आप सबको पेट में उतना ही पेट होता है, आप उतना ही खा सकते हो। आप उससे ज्यादा अगर आप खा जाओगे तो पेट दर्द करेगा या कुछ हो जाएगा। यू कैन नॉट डाइजेस्ट मोर देन व्हाट यू कैन ईट। द एसेस यू नो वैल्यू विच पाकिस्तान कैन डाइजेस्ट, या जो एसेस इन्वेस्टमेंट विच पाकिस्तान कैन अब्सॉर्ब इंटरनेशनली एसेस इज 1 to 1.5 billion dollars। उससे ज्यादा आ गया तो मर जाएंगे। फिर वही सीपीसी के साथ क्या हुआ वही होगा। और ये बात जो है ना, पहले काफी लोगों को पता नहीं था, और ये एक चाइनीज असेसमेंट है। चाइना वालों ने सोचा कि पाकिस्तान के साथ हम पैसा दे देंगे, पाकिस्तान बढ़ जाएगा, वो रोड बन जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। 7 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। $21 billion दे दिया इन्होंने 2-3 साल के अंदर, और वो टप है पूरा। तो और उस एक्सपीरियंस के साथ ना कतर, ना सऊदी, ना कोई और खाड़ी के देश उनको पैसा दे निकले, आगे नहीं आएगा। ओके, इससे क्या है कि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो रिफॉर्म भी नहीं होगा। तो पैसा इनको कहां से आएगा? सिर्फ IMF के साथ। और ये है एक बारीकी चीज हमें समझना है। पाकिस्तान को ना सऊदी वाले पैसा देंगे ना चाइना वाले पैसा देंगे। ये इनका लोन भी रोल ओवर करना मुश्किल हो रहा है इनके साथ। होगा थोड़ा बहुत रोल ओवर, राइट? क्योंकि पैसा दे नहीं सकते, हम बोलेंगे भाई आप पैसा नहीं दे सकते, हम दे देंगे, तो रोल ओवर होगा लोन्स। बट गुजारने के लिए, टू रन द गवर्नमेंट, टू रन द कंट्री, पाकिस्तान विल हैव टू गो बैक टू द IMF। ऑलरेडी पाकिस्तान, राइट, IMF को कौन कंट्रोल करता है? USA। तो जो भी USA बोलेगा इनको मानना पड़ेगा, और USA जो है इनका पूंछ मरोड़ेगा। ये तो बोल दिया ना, ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी इमरान जी ने। तो Afghanis have broken the shackles of slavery only to put Pakistanis in the shackles of slavery. The first guy. So, whatever tomorrow USA says through IMF, others will follow suit. No one is going to give money. Okay, we'll talk of USA and all these people later again. Okay, so we've come to USA. USA आज तक बोला नहीं कि पाकिस्तान ने किया क्या उसके साथ, ठीक है? USA इसको खेल रहा है इसके साथ, एक छोटे कुत्ते के साथ खेलना है वो खेलेगा, क्योंकि पाकिस्तान हैज लॉस्ट इट्स स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस टू द वर्ल्ड। पाकिस्तान चाहे किसी हालत में हो किसी को परवाह नहीं है, क्योंकि एक्शन जो है वो वेस्ट एशिया में है या इंडिया के साथ है, उनको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए इसको इट विल बी ऑन अ लीश, राइट? इट विल होल्ड द आर्मी एट रैंसम, इट विल होल्ड लॉट ऑफ मिलिटेंट ग्रुप्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी एट रैंसम। सो USA विल हैव लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर द सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये भी याद रखिए, 50% ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री हार्डवेयर इज फ्रॉम द वेस्ट, उसका F-16s वगैरह, राइट? उसके लिए अगर स्पेयर चाहिए तो इनको जाके उनके पैर पड़ना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। ओके, सो USA इज बैक इन द गेम इन पाकिस्तान, बट अवतार डिफरेंट है। पाकिस्तान को ये पैसे नहीं देंगे, पैसे के लिए तड़पाएंगे। लेट्स टॉक ऑफ चाइना, आयरन ब्रदर, higher than the ocean, deeper than the sea,
जैसे दोस्त। चाइना का हालत बुरा है, ये सब हमें पता है। वो इस हालत में वो पैसा पाकिस्तान को देने के लिए राजी नहीं है, ठीक है। इसीलिए अगर आप देखेंगे, चाइना ने अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट डीलिंग शुरू कर दिया और पाकिस्तान को बाहर रख दिया। वो ऊपर से तजिकिस्तान और किर्गिस्तान के जरिए अफगानिस्तान के साथ डील कर रहा है, और ये अभी चाहता है कि जिंजियांग से वकान कॉरिडोर, वकान कॉरिडोर टू काबुल, काबुल टू सरन दलाराम टू ईरान, वो करेक्ट करना चाहता है, राइट। सो इट इज नॉट हैप्पी विद पाकिस्तान एट ऑल, ओके। और तो और चाइना का ख्वाब था कि चाइना, ईरान, पाकिस्तान, रशिया, नॉर्थ कोरिया, इन सब का एक गठबंधन बनाओ, और हाल ही में ये नॉर्थ अरेबियन सी में ग्वादर के नीचे और वो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के इलाके में ये नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे थे। इनफैक्ट इस जैसे ये मिसाइल एक्सचेंज हो रहा था और फायर अटैक हो रहा था, साथ साथ पाकिस्तान और ईरान एक नेवल एक्सरसाइज कर रहे थे एक दिन पहले। ये इनका बड़ा ख्वाब है कि नॉर्थ अरेबियन सी में इनका नेवल प्रेजेंस बढ़े, तब जाके चाइना को इंडो पैसिफिक कंस्ट्रक्ट को तोड़ने का मौका मिलेगा। पर ये जो झड़प हुआ है ईरान और पाकिस्तान के बीच में, उससे क्या है कि ये ख्वाब बिखर गया ऑलमोस्ट। जैसे मैंने बोला, यू नो, countries have to have trust in each other to be engaged in a thing. अभी तो बोल गए हम दोस्त हैं, लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान भी लड़ना नहीं चाहता, वो भी लड़ने से परे रहा, और ये भी लड़ने से, इनके क्षमता है। जब तक चीन और रशिया बीच में ना आए, इनको कोई किसी और के साथ लड़ने का चांस नहीं है, सिर्फ एक गठबंधन में रह सकते हैं, और वो गठबंधन अंदरूनी तरीके से टूट रहा है चाइना, इसीलिए पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं हो सकता। और ऊपर चाइना का इन्वेस्टमेंट देखिए, चाइना का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है, चाइना का इन्वेस्टमेंट ईरान में है, चाइना का इन्वेस्टमेंट इराक में है, चाइना का इन्वेस्टमेंट सीरिया में है। इनफैक्ट पिछले बेल्ट एंड रोड कॉन्फ्रेंस में सीरिया का प्रेसिडेंट बशार अल-असाद को एक अलग हवाई जहाज भेज के जी जिनपिंग चाइना लेके गया था, इन्वेस्टमेंट वो सब टप हो रहा है। क्यों? ईरान ने जो काम किया उसके तहत पाकिस्तान ने रिप्लाई किया, तो चाइना का प्लान्स, यू नो, दे आर इन प्रॉब्लम्स। सो अगर इस पूरे खेल में पाकिस्तान के अलावा दूसरे किसी को धक्का लगा, वो है चाइना, क्योंकि जो भी हो रहा है, इनफैक्ट इसके बारे में दो मिनट और वेट बताऊंगा। आजकल चाइना से वैसे भी एक्सपोर्ट डाउन है, अब वो एक्सपोर्ट रेड सी के जरिए जा नहीं रहे यूरोप में, क्योंकि हौतीस ने बाधा डाल दिया उसमें, तो चाइना इज इन पेन, चाइना का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और पाकिस्तान ने उस पेन को बढ़ा दिया। गल्फ कंट्रीज और मिडल ईस्ट और इस्लामिक, किसी के पास पाकिस्तान के लिए टाइम नहीं, ओके? क्यों? जैसे मैंने बोला था, पाकिस्तान ने हर लड़ाई हार लिया आज तक। पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो पुराना राहिल शरीफ, वो सऊदी अरेबिया को ट्रेन कर रहा है, उनके फोर्सेस को कमांड भी कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो बैठा है रियाद में। पिछले 8 साल से सऊदी अरेबिया कोशिश कर रहा है कि हौतीस के साथ लड़ाई करके उनको दबा दे यमन में, पर हो नहीं पाया। पाकिस्तानी हथियार, पाकिस्तानी ट्रेनिंग, कुछ पाकिस्तानी ट्रूप्स भी हो सकते हैं, मेरे को नहीं पता, कुछ नहीं हो रहा। तो इस हालत में पाकिस्तान का क्या फायदा है गल्फ कंट्रीज को, क्योंकि पाकिस्तान कैन नॉट गारंटी देयर सेफ्टी, दिस इज अ प्रॉब्लम।
आई डोंट थिंक पाकिस्तान हैज एनी लेफ्ट एनी वैल्यू. क्यों, अभी जो लड़ाई हो रहा है उसमें कौन आके हावी है सबके ऊपर? यूएसए इज गारंटिंग देयर सिक्योरिटी. कल के दिन यू नो इन यूएई और इन सऊदी अरेबिया और इन कुवैत और बहरेन कुछ गड़बड़ हो गया यार, कतर कोई पाकिस्तान की तरफ नहीं देखेगा, सब यूएसए की तरफ देखेंगे, कुछ हद तक टर्की की तरफ देखेंगे क्योंकि टर्की का बेस है एक कतर के अंदर. ओके, तो इनको बैंक रोल करने के लिए, इनको पैसा देने के लिए कोई राजी नहीं. तो लोन्स टू यू पाकिस्तान फ्रॉम गल्फ कंट्रीज वो यूएसए के ऊपर निर्भर होगा. यूएसए देगा तो ये भी देंगे, नहीं तो वो नहीं देंगे. अगर ये दोनों यूएसए और गल्फ कंट्रीज पैसा नहीं देंगे तो चाइना भी नहीं देगा, राइट? तो एक और बात है कि पाकिस्तान मार्जिनलाइज तो हुआ ही है, इट्स नो मोर अ फ्रंटलाइन स्टेट. किसका फ्रंटलाइन है? किसी के लिए फ्रंटलाइन नहीं है. ओके, इट इज बिलीगर्ड विद 3 हॉस्टाइल नेबर्स एंड इंक्रीजिंग इंटरनल प्रॉब्लम्स. डाउट नहीं है, चारों तरफ गिर गया है. ओके, अभी हम देखेंगे पॉलिटिकल लेजिटिमेसी. द पॉलिटिकल लेजिटिमेसी ऑफ पाकिस्तान इज एट ग्रेव स्टेक, क्योंकि हमें सबको पता है कि द पॉलिटिकल लेजिटिमेसी ऑफ पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन इन अ क्वेश्चन मार्क. आज भी हमारे प्रधानमंत्री ने भाषण में बताया कि कुछ लोग अपना व्यक्तित्व ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग कंट्रीज अपने व्यक्तित्व ढूंढ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं अपने आप को, उलझा पड़े हैं, वो गांठ नहीं खोल सकते, पर हमने खोल दिया आज राम मंदिर. फर्क, ये बात इसलिए मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात इस बात पे कि हम सोचते रहते हैं ना कि पाकिस्तान ये कर सकता है, पाकिस्तान वो कर सकता है, पाकिस्तान कुछ और कर सकता है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता. और आज ये राम मंदिर का उद्घाटन के बाद मेरे ख्याल में वो सोच हमें बदलने की जरूरत है जो एक्चुअली हमारा प्रधानमंत्री बोल रहे थे. हमारा दिमाग खुलना चाहिए और पाकिस्तान से वी हैड स्टार्ट लुकिंग मच बियॉन्ड पाकिस्तान. बट पाकिस्तान हमारे बगल में है, हमें पता होना चाहिए कि वो क्या रहा है. ये थोड़ा बड़ा दिखाता हूँ और फिर बात करूंगा. मुशर्रफ के एरा में देखिए, जब मुशर्रफ पहले आया था, देखिए पाकिस्तान के अंदर एक चीज है और ये समझने वाली बात है. पाकिस्तान के अंदर 3 ब्लॉक है, एक आर्मी, एक जुडिशियरी और पॉलिटिकल पार्टीज. इनका बैलेंस चाहिए, राइट? अगर एक दूसरे के साथ मेल मिलाप हो गया तो तीसरे को आउट कर सकते हैं. तो ये कहानी क्या है, इनका सिलसिला, वी शुड अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. ओके, मुशर्रफ के जमाने में जब वो मुशर्रफ आया था तब आर्मी और उसके साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और पीपीपी था. पीपीपी कुछ हद तक इसके साथ था, उसने उस वक्त कू किया और पीएमएल को आउट कर दिया, नवाज शरीफ का बाहर कर दिया, जेल में डाल दिया, ये वगैरह. जब मुशर्रफ के एंड में तो वहां लॉयर्स का स्ट्राइक हुआ और उनका चीफ जस्टिस को निकाला गया, फिर वो खड़ा हो गया वगैरह वगैरह. उस वक्त तो चीफ जस्टिस और जुडिशियरी, पीएमएल और पीपीपी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा हो गए और आर्मी को निकाल दिया कुछ दिन बाद में. जब बाजवा का एरा पिछले चार पांच साल में, वो उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त पीटीए नहीं था मुशर्रफ के जमाने में. बाजवा के एरा में क्या था, आर्मी और चीफ जस्टिस और पीटीआई अटा बंदियाल, ये तीनों मिलके पीएमएल और पीपीपी को हटा दिया, राइट? ये रिंगा रोसेस चलता रहता है इनका. बाद में पिछले साल क्या हुआ आपको याद है, राइट? 21-22 में जब इमरान खान को हटाया गया तो आर्मी और पीएमएल और पीपीपी साथ हो गए और सीजेपी को आउट कर दिया, आउट नहीं किया उसको साइडलाइन कर दिया और पीटीआई को आउट कर दिया, वो इनके अगेंस्ट हो गए.
उसके बाद कुछ देर तक सीजीआई और पीटीआई साथ साथ थे, यानी कि अटा बंदियाल जो इनका सीजेपी था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और इमरान खान साथ थे, दोस्त थे, तो वो बैलेंस कर पाए इनके। बट अभी वो खत्म हो गया। अभी क्या होगा, हो रहा है खेल नीचे देखिए, मुनीर रहरा अभी जो होने वाला है, इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन नहीं वहां तो सिलेक्शन होंगे, कौन सेलेक्ट होगा ये किसी को नहीं पता। आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अभी जो नया आया है वो बिल्कुल आर्मी के साथ बोल रहा है, और पीएमएल अंदाजा है कि पीएमएल इस आएगा सत्ता में, कौन आएगा ये नहीं पता हमें। और पीपीपी, पीपीपी का पता नहीं इनका रोल क्या है, ये कहीं लूज फिट है, और पीटीआई अगेंस्ट है, राइट। तो ये जो आप देख रहे हो, ये क्या ये स्टेबल रहेगा? ये स्टेबल तब तक रहेगा जब तक कोई पार्टी जो है वो आर्मी के बारे में देखते हैं, आर्मी जो है इट नॉट लेट गो ऑफ पावर, इट नॉट शेयर पावर। पर यही बात है, अगर कल के दिन ये जो नीचे वाला मुनीर देखता है कि पीएमएल या नवाज शरीफ ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है तो उसको कैंच लेगा नीचे, ओके, और वापस पीटीआई को लेके आ सकता है या पीपीपी को ले सकता है, और कोई नया गठबंधन बना सकता है। जब तक सीजेपी, तो सीजेपी को वो या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या जुडिशरी जो है वो अपना जेब में रखेगा, तो इट विल नॉट शेयर, इट विल पुल डाउन एनीवन गेनिंग मोर पावर, कोई भी अगर ताकतवर हो उसको गिरा देगा। इस सिलसिले में पाकिस्तान कभी डेवलप नहीं होगा, क्योंकि ये मुनीर साहब का जो इकोनॉमिक, सबने बोला है कि ये निवेश लेके आएगा वगैरह वगैरह, अभी हमें बड़ा क्लियर है कि कुछ नहीं लेके आ सकता, ना इसको कोई, इसको पता है कि क्या हो रहा है, ओके। पर आर्मी विल कीप मिलिट्री कैपेबिलिटी इंटैक्ट फॉर सर्वाइवल, इनका जो चाहे वो पनडुब्बियां हो या शिप्स हो या एयरक्राफ्ट हो या टैंक हो या गन हो, ये करते रहेंगे चाहे पाकिस्तान कंगाल हो जाए, और ये न्यूक्लियर ट्रेड कैपेबिलिटी के साथ ये खेलेंगे, ये इनका यही एक सिक्का रह गया जिसके साथ ये कुछ हासिल कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सबको पता है थ्री फ्रंट सिचुएशन विल रिमेन, और ये हमें तंग करेंगे जेएनके में। तो ये है मोटे मोटे तौर पर पाकिस्तान, ये हम सब सोच रहे होंगे, सब हमारा सोच विचार यही हो रहा होगा, यार इन दोनों के बीच में कुछ सुलह हो गया तो इन्होंने एक फायर किया, उसने एक फायर कर दिया, दोनों में बलूच रिबल्स को मार दिया, इसका दुश्मन को इसने मारा, उसका दुश्मन को इसने मारा, और खुश है अभी। ऐसा नहीं है, जो हुआ है उसका एक्चुअल अगर हम एनालिसिस देखेंगे तो जैसे मैंने आज अभी बताया है, इट्स वेरी डीप। इसमें हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, खतरा भी है। अपॉर्चुनिटी ये है कि जो नॉर्थ अरेबियन एक्सिस जो बन रहा है, नॉर्थ अरेबियन सी एक्सिस, ये वीक हो रहा है। दूसरा, ईरान और पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक्चुअली चाबहार वर्सेस ग्वादर होने वाला है, तो उसमें क्या है कि हम वी शुड हेल्प ईरान आउट, जो वो भी चाहते हैं। वैसे ईरान बेवकूफ देश नहीं है, ईरान चाहता है कि वो इंडिया के साथ चले और चाबहार रूट चल पड़े, क्योंकि जब तक चाबहार अगर हम खोल देंगे और वहां से चल पड़ेगा तो ईरान को फ्रीडम मिलेगा टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, और हमें वो मिलेगा कि अफगानिस्तान के अंदर डायरेक्ट रीच करें, जैसे हमने कल समीर बसीन के साथ बात किया था, राइट। सो वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू डील विद ईरान, और दैट विल बी अ हेज अगेंस्ट यूएसए हमारे लिए, कि कल के दिन अगर यूएसए के साथ प्रॉब्लम्स हुआ तो हमारे पास ईरान है, और उसके जरिए हम चाइना को भी कुछ हद तक हैंडल कर सकते हैं, कुछ हद तक, ज्यादा नहीं, क्योंकि चाइना का कहानी अलग है, उसके बारे में कल बात करेंगे, क्योंकि चाइना को समझने के लिए थोड़ा और
डेप्थ में हमें देखना पड़ेगा. ओके, सो ये इंडिया का नेक्स्ट है. ऑफ कोर्स इंडिया का प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान क्यों इस हालत में है, सबको पता है. टू स्टे रिलेवेंट वो कश्मीर में कुछ ना कुछ करेगा, उसके अलावा ज्यादा नहीं करेगा, और कोशिश करेगा कि नॉर्थ अरेबियन सी में कुछ करे, और अगर अगला कोशिश होगा मालदीव्स में कुछ करे थ्रू चाइना. जब तक पाकिस्तान मालदीव्स में या और कहीं कुछ ना करे तो हमारा प्रेशर उसके ऊपर होगा, और वो बहुत भारी प्रेशर होगा, क्योंकि हर रोज ये पूछा जा रहा है पाकिस्तान में, यार इंडिया को देखो वो कहां तक, चांद तक पहुंच गए, हम तो यहां तक गए है ही नहीं. तो वो हमारे साथ मुकाबला तो है ही नहीं, वो तो गया. हमारे साथ बराबरी भी तो है ही नहीं, वो भी सबको पता है कि हम एक विश्व में पावर बनने वाले हैं. पर ये है कि पाकिस्तान आर्मी को हमें उंगली देके हमें नीचे लाने की कोशिश करेंगे, या हमारा रिलेशन यूएसए के साथ खराब करने की कोशिश करेंगे, और चाइना के साथ कुछ और उल्टा सीधा काम कर सकते हैं. राइट, ओके. अभी लोग पूछेंगे कि सर ये टाइम है हमें जाके पीओके को वापस ले लो. पीओके लेके वापस लेके क्या करोगे आप, वहां 4 मिलियन लोग हैं, यानी 40 लाख लोग हैं, उनके साथ क्या करोगे? वो अगर हम लेंगे तो मुसीबत होंगे, तो उसमें कोई पॉलिटिकल आउटरीच भी नहीं है, तो हमें थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा और संयम बरतना पड़ेगा कि जब मौका आएगा तब पॉलिटिकल आउटरीच करो, पॉलिटिकली मामला सेटल करो, फिर बात करो. तो रहने दो. क्या पाकिस्तान उभर के आएगा? बिल्कुल नहीं. पाकिस्तान इस दलदल से उभर के आएगा नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया इनका पॉलिटिकल सिस्टम जो है अनस्टेबल रहेगा. इकोनॉमिक सिस्टम तो है ही गया गुजरा हुआ है. अगले 2 साल तकरीबन 2024 और 2025 तक इनका इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी जारी रहेगा, क्योंकि इनके पास कोई निवेश करने के लिए आए ही नहीं रहा. बड़ा क्लियर है. और ये जो लड़ाई हो रहा है इसका कौन भुगतेगा? गाजा में जो भी हो रहा है उसको पैसा कौन देगा? यही काड़ी के देश देंगे उसको, नहीं तो वो भी रिकवर नहीं होगा. अगर वो उनको हेल्प करेंगे या पाकिस्तान को हेल्प करेंगे, तो पाकिस्तान को कोई हेल्प नहीं करेगा, चाइना हेल्प नहीं करेगा. तो हमें यूएसए को भी इस्तेमाल करना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने, और अफगानिस्तान के साथ भी बात करना चाहिए. और ये सब देखते हुए पाकिस्तान का हालत, हमारा स्ट्रेटजी जो मालदीव्स के साथ है बदलना चाहिए. मालदीव्स में जो प्रॉब्लम हो रहा है ये घटने वाला नहीं है, इनफैक्ट बढ़ने वाला है. सो व्हाट इज हाउ वी गोइंग टू डू विद मालदीव्स, ये हम 29th को हम वेबिनार करेंगे, उसमें मैं कंडक्ट करूंगा. विल टॉक अबाउट इट. राइट, ये था मैंने सोचा कि आज बताऊं कि किसी तरीके से देख गया ये अभी लड़ाई हो गया कुछ हद तक, तो पाकिस्तान और डूबेगा और ये और टॉक्सिक होता जाएगा. इनका एक ही ट्रंप कार्ड बचा है, वो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, और एज डेज गो बाय ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का मायना भी डाउन होते जा रहा. ओके ओके, इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ इस महीने में क्या क्या प्रोग्राम करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ. एक तो जैसे मैंने बोला कल, दैट्स एन इम्पोर्टेंट प्रोग्राम, मैं चाहूंगा आप सब लोग आके उसको सुने कि चाइना क्यों उभरेगा नहीं, क्यों फंसा पड़ेगा, फंसा रहेगा, और इसका इतिहास के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देंगे हम. इतिहास बहुत इम्पोर्टेंट है, और अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, क्या यू नो द इंडिकेशंस आउट ऑफ चाइना, अगर हम ये दोनों को देखेंगे तो वहां एक लंबा दृश्य नजर आ रहा है. इसीलिए ये अगर हम क्लियर है कि चाइना क्या करेगा और पाकिस्तान क्या करेगा, तो हमारा स्ट्रेटेजिक आइडिया जो है वो क्लियरिफाई होगा. दूसरा एक और मैं करना वाला हूं कि चाइना का क्या प्रॉब्लम्स है साउथ चाइना सी और ताइवान के साथ, वहां कैसे लड़ाई छिड़ सकता है, ये प्रोग्राम इस
इस महीने के अंदर तक कर दूंगा। तीसरा मालदीव्स, और चौथा ये रेड सी और नॉर्थ अरेबियन सी और गल्फ, किस इलाके में किस तरीके से क्या करना है उसका भी एक प्रोग्राम करेंगे। ये चार प्रोग्राम तो तय है। इसके अलावा इंडिया और चाइना, हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या रवैया होना चाहिए अगेंस्ट चाइना, वो तो किसी ने बात नहीं किया, हम करेंगे। और ये ब्रिगेडियर अरुण सैगल को मैंने ऑलरेडी बता दिया। और एक और प्रोग्राम हमें करना है इंडिया और यूएसए के बारे में। ये सब लाइंड अप है मेरे दिमाग में, आप सिर्फ आके जुड़िए। आज जैसे इतने लोग आ चुके हो 150, बट पाकिस्तान तो ठीक है, सब आएंगे पाकिस्तान बोलने से, क्योंकि भावुक लोग हैं हम। पर अगर आज हमारा प्रधानमंत्री के भाषण सुने हो, तो उन्होंने हमें एक संकेत दिया है। वो संकेत है कि हमारा जो सिविलाइजेशनल रोल अभी शुरू होने वाला है, और ये सिविलाइजेशन रोल शुरू होने के लिए सोच और बड़ा होना चाहिए आप लोग सब लोगों का। मेरा नहीं, मेरा क्या है, मैं तो चला गया, मैं तो मेरा टाइम हो गया। आप लोग जो सुन रहे हो, आपका सोच बदलना चाहिए, आपका सोच पाकिस्तान से दूर, पाकिस्तान के परे, और पाकिस्तान से फार बियॉन्ड पाकिस्तान, क्योंकि दुनिया हमारा है। ओके, थैंक यू।